हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स, इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है नेत्र मूर का गोल्डन सिम्टम। मैं आपको नेत्र मूर का गोल्डन सिम्टम बताऊँगा जिसके आधार पर आप दवा ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसका पहला गोल्डन सिम्टम यह है एनीमिया एंड इन्फ्लेमेशन। किसी को एनीमिया हो गया है तो जब एनीमिया हो गया है तो ऑटोमेटिक कमजोरी आएगी और शरीर में सूजन भी हो सकता है। तो अगर हीमोग्लोबिन अगर 10 के नीचे आ गया है और उसके साथ में सूजन है तो आप जो है नेत्रमूर 6x पावर में लीजिए। 4-4 गोली दिन में 3 बार लीजिए या चाहे 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। आपका जो है एनीमिया ठीक हो जाएगा और जब एनीमिया ठीक हो जाएगा तो इन्फ्लेमेशन भी अपने आप ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है पेनफुल कॉन्स्टिपेशन। आप इसका मतलब समझ गए ना कि जब आप शौच करने जाते हैं तो शौच जो है दर्द करता है, जलन नहीं करता है, दर्द करता है। और उसके बाद में लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख भी चली गई है और जब शौच करने जाते हैं तो आपका शौच पेनफुल कॉन्स्टिपेशन है। तो आप जो है नेत्रमूर 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए या तो नेत्रमूर 6x 4-4 गोली दिन में 3 बार लीजिए। आपका जो है कॉन्स्टिपेशन जो पेनफुल हो गया है और आपको भूख खत्म हो गई है, ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर डायबिटीज़ के केस में अगर हमारी प्यास बढ़ गई है और हमारी भूख बढ़ गई है, दोनों बढ़ गई है, इसका माने आपका ब्लड शुगर बढ़ गया है, तो नेत्रमूर लेने से जो ब्लड शुगर जो बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल कर देगा। विशेषकर अगर ये सिम्टम आपको कैश करे कि हमारी भूख बढ़ गई है, हमारी प्यास बढ़ गई है, तो आप नेत्रमूर लेना चालू कर दीजिए। अगर डायबिटीज़ से ये प्रॉब्लम हुई है तभी ठीक कर देगी, और नहीं तो आपकी जो प्रॉब्लम है एबनॉर्मल भूख हो गई है, एबनॉर्मल थर्स्ट हो गई है, ये भी आपकी नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है कि फ्रंटल साइनसाइटिस में जब साइनस डिस्टर्ब हो जाता है, फ्रंटल साइनस, तो उसमें हेडेक होता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे हेडेक में आपको नेत्रमूर लेना है। आपका फ्रंटल साइनस जड़ से ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि आप नेत्रमूर 6x लगातार लेते रहिए, कम से कम 1 महीना तक लेते रहिए। डायलूशन में लेना है तो 1 हफ्ता लीजिए और 6x पावर में लेना है तो आप लगातार लीजिए, आपका साइनस जड़ से ठीक हो जाएगा। फ्रंटल साइनस है तब। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है स्किन पर जो है, इसका स्किन जो है बहुत ऑयली होता है और जो दाने निकलते हैं इसमें वो दाने भी बड़े पेनफुल होते हैं। स्कल्प दाने निकलते हैं, ईयर पर निकलते हैं और एक्सट्रीमिटी हाथ पैर में निकलते हैं, लेकिन दाने पेनफुल होते हैं। तो ऐसे केस में भी नेत्रमूर 6x पावर में दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन तक लीजिए, आपके जो पेनफुल दाने निकलते हैं ये आपके ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह का बुखार हो और बुखार में छाले पड़ जाते हों, जैसे मेरी फोन लैब में हमने बताया था कंटिन्यू हाई टेम्परेचर, तो इसमें क्या है कि बुखार हुआ और छाले पड़ गए, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप नेत्रमूर 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 हफ्ता लीजिए, आपके बुखार ठीक हो जाएगा, आपका छाला भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम रेक्टम पर है। इसमें क्या होता है, रेक्टम सूज जाता है। अब जब रेक्टम सूज गया ऑटोमेटिक आप स्टूल पासिंग करने में दिक्कत होगा, तो अगर रेक्टम में सूजन आ गई है तो आप ये दवाई को लीजिए, आराम हो जाएगा आपको। नेत्रमूर 6x 4-4 गोली 3-3 घंटा पर लीजिए, आपका रेक्टम जो सूज गया है वो ठीक हो जाएगा। आपको स्टूल पासिंग करने के समय जो दर्द होता है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला और अंतिम गोल्डन सिम्टम है हाइपरथायरॉयड हो चाहे हाइपोथायरॉयड हो, दोनों तरह के थायरॉयड में नेत्रमूर 12x 4-4 गोली 3 बार लगातार लेने से दोनों तरह का थायरॉयड जड़ से ठीक होता है, बशर्ते कि इस दवाई को लगातार कंटिन्यू कर रखे रहिए तब। तो दोस्तों, आज मैंने आपको नेत्रमूर का कुछ गोल्डन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।